आलू सब बिल्कुल रेडी है सारी छे आ देखिया भाई मतलब कितने सुंदर देखा जाऊ छे तो केही भी देखले एटा कहि परबे नि के एटा हमर सुजी आ आलू रे हेछ त अपन निश्चय रेसिपी को ट्राई करंतु। नमस्कार मु सोर्ण स्वागत को छी अपन समस्त को ओडिया रोसेई रे। आज हम आलू सेव बनेबा आगुदा अपन बेसन ने बहुत सारा सेव खाइतिबे। आज के हम अपन मन भगे ओडे इवनिंग को बारे सेव नै आछी जोडा के आलू आ सुजी रा कॉम्बिनेशन नै हेय थाय। तब चल स्टार्ट करबे आज रो रेसिपी आलू सेव। नुआ नुआ ओडिया रोसेई रो वीडियो देखिया पई एबे ही तळे थिबा नाली बटन को प्रेस करी आम ओडिया रोसेई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिया बेल आइकन को भी दबे दियो। आगरो त आपण बहुत थर बेसन रे सेव खाइथिबा। आज के हम अमेरिके इवनिंग का ओटी डिफरेंट उपाय रे सेव बनेबा जोडा कि सिजा आलू आ सुजी को नै कि हे थाय। तो सेथि पई गा एठी मु तीनोटी बडो साइज रा आलू को सिजे कि नै जाय छी आउ एटे गोटे किना खंडे हबो एठी मु सुजी को नै छी। एटा टिके छोटो साइज रा सुजी अछि आपण पाखे जदि छोटो साइज रा बा छोटो दाना रा सुजी नै आपण बडो दाना रा सुजी को नै कि ताको ग्राइंडिंग करि पालंदी। एटे आमे स्वाद अनुसार लुण आउ 2 चम्मच खंडे रिफाइन तेल को नै छी। तो सेथि पई एठी मोडे जागा को नै जाय छी जोथरी के आमे 1.5 ग्लास खंडे पानी को दे दबा। एबे एथिरे मु 1.5 ग्लास खंडे पानी को दे देली आउ एबे एथिरे आमे स्वाद अनुसार हाफ चम्मच खंडे लुण को दे देबा आउ गोटे चम्मच खंडे एठी मु रिफाइन तेल को दे देली। एबे एडा को आमे फुटिया पेंगा छाड़ देबा। तो देखो नु पानी टी बे हमर फुटिबा स्टार्ट हे सलाने। एबे एथिरे आमे सुजी को पकेई नबा एवं एडा को आमे भलो भाबरे घाटी नबा जहाद्वारा कि एथिरे जेमती कौन से प्रकार बबल्स न रही जाए आईटा आम भल भाव जंती। तो यही समय आमको गैस रंच को बिल्कुल स्लो रे रखिबार अच्छी आईटा को आमको भल भाव ये भाव में चलेबार अच्छी आपन ये देखिपे यटा को भल भाव जंती सारी आउे टिके भी बबल्स रही यहाँ बहुत भल भाव जंती। तो ये यटा को आम थंडा हाँ एमती ही छाड़ दबा। तो देखु ए मु गैस को ऑफ कर नली आ एबे एटा को हमें घोड़े के रखि देबा नहले एटा हमर ठंडा हे जिवो आ आरा डोव रेडी करबे समय एटा हम जमा भी सॉफ्ट डोव रेडी हेबोनी। तो एबे एटा को हमें घोड़े के रखि देबा। तो देखो तो एठी मो जो सुजी को जंती के रखि थली ताके एबे हम गोटे प्लेट को काढ़ नबा। तो देखो ये मु सब सुजी काढ़ी नहीं आम टे समय घोड़े रखीद जहाद्वर कि बिल्कुल भी ठंडा हावन। तो ये आम कभर करके 2 मिनिट पर्यंत एमती ही रखी ना। तो ये आम आम सेकेंड प्रोसेस को जी मुझे ये सीझा आलू को नहीं भल भाव ग्रेट करनी बिलकुल यही भाव में आज देखिपे आईटा बिलकुल पतला आकार ग्रेट करेंगे कदूकस कर ने आलू को सीझेला समय मन रखिथे पूरा पूरी भल से सीझे आप देखिपे बड़ा सा आलू टी ग्रेट हो जाए। तो सेम प्रोसेस रे आम बाकी सब आलू गुड़ गुड़क भाव ग्रेट कर ना। तो देखो ये आम आम सब आलू गुड़ भल भाव ग्रेट कर नहीं भल भाव चपड़ी नवा जमीक आलुर मझे कौन प्रकार टी गेटा न रही जाए बिलकुल से भाव में। तो ये आम सुजी की जंतीबा तो से गोटे चामच खंडे तेल को हाथ में लगे नौ भल भाव आम जंती नवा गोटे सॉफ्ट डोव रेडी कर नवा। तो देखते ये मुझे डोव टी रेडी आईटा मुझे बिल्कुल स्मूथ कर आलू को पकई आपको भल भाव चकड़ी नवा आप देखिपे ये मुझे आलू आ सुजी को नहीं आलू को सुजी सागर भल भाव चकड़ी नवा ये बिलकुल यही भाव में तार गोटे सॉफ्ट डोव रेडी कर नवा। तो ये देखते आम डोव टी बिलकुल रेडी बिलकुल चिकन तो आप देखिपे डोव टी रेडी अच्छी आम सेव छाणीबा। तो से मुझिका छाच को नहीं जाए मुझे तेल लगे ने भितर भल भाव जहाद्वर कि आम आलूर आजीर डोव टी लगनी भितर एटा को तेल लगे ना बिलकुल यही भाव में।
एठी मु एई छांचटी नै छी बिल्कुल सरु सेउ छाणबा पई आपण देखि परुथिबे आरो एई पछबडे जागा रे एई छांचटी को एठी मु दे दउ छी एबे एटा को एठी मु साइड रे रखि नेली आ ए डोबरो आमे टिके अल्प टिके नबा एबे ताको टिके पतला कर नबा सरु आकार रे आउ ताकू एमती रखि नबा सेम प्रोसेस रे एठी आमे आउ टिके नबा डोब को आ देखो आमे एमती फूल हवा पें के एतिक रही छाड़ दबा एबे एटा को हमको ऊपर देकी एटा को बुली बार अछि एमती तो देखो एबे एटा हमर रेडी हे सारि छि एबे एटा को हम छाणीबा एबे एठी मु तेल को गरम कर नै छी एबे एटा को हम देखो तो एठी हमर आलू सब बिल्कुल रेडी हे सारि छि आ देखिया बे मते कते सुंदर देखा जाउ छि तो कई भी देखिले कहीपर कि यहाँ सुजी आलू रे आलु तो आप निश्चय रेसीपी ट्राए करूँ और आप एक्सपीरियंस मो सहित सेयार करूँ देखते कितने बढ़िया सीटा जाली जाली है कि आज आलु सेर रेसीपी समस्त बहुत पसंद आसो तो पसंद आसने वीडियो को लाइक करदे आम चैनल को सब्सक्राइब करदे देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिखाई। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated.